माँ साग थोड़ा जल्दी बनाइएगा, बहुत भूख लग रही है। अच्छा बेटा। रामीन कैसी है? सही है यार, मानी फुराई वाले की, वो अपना घर कभी नहीं छोड़ेगी, और अगर वो मान भी गई, अमीजान और पापा ये कभी नहीं होने देंगे। मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन माँ बाप के आगे कोई कुछ क्या कर सकता है यार। जानता हूं यार, मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज रहता हूं। वो मेरे माँ बाप हैं, हमारे बारे में वो कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगे यार, लेकिन जो रामीन के साथ हो रहा है वो भी तो सही नहीं है। मुझे कभी कभार लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आंटी को जब पता चला कि मैं रामीन को, उसी दिन उन्होंने फैसला किया था ना उसका आदर से शादी कराने का। हाँ फैसला तो उसी वक्त किया था, लेकिन अब क्या, अब जब वो आदिल इतना जुल्म कर रहा है रामीन पे, अब क्यों चुप हैं ये लोग? अम्मी जान और बाबा बिल्कुल खामोश हैं, उसे कुछ नहीं कहते ये लोग। देख कितने सालों से हूं मैं तेरे साथ, लेकिन ये सब कुछ तो मुझे भी समझ नहीं आता। मैं अपनी मां से हर बात खुल के करता हूं, लेकिन मुझे तेरी अम्मी के साथ तेरा रिश्ता समझ नहीं आता। सच कहूं तो आंटी से मुझे खुद बहुत डर लगता है। वैसे फरहान, कभी कभी तो तेरे इस घर का सुकून देख के मुझे जलन होती है। जो तुझे सुकून लगता है, मुझे मुसीबत। यार घर में नलकों में पानी नहीं आता, दो दो दिन मोहल्ले में बिजली नहीं आती, रह के दिखाना इस घर में, फिर मैं तुझसे पूछूंगा कि सुकून है कि नहीं।